नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के विरोध में 25 से 27 तक यानी कि 3 दिन की हड़ताल पर जाने के लिए अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों पर हड़ताल पर ना जाने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। मामले में पिछले दिनों काम नहीं तो वेतन नहीं का फरमान जारी किया गया, इससे कर्मचारी संगठन और शिक्षक भड़क गए हैं। वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज सफाई कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी 1090 चौराहे से पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे थे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जीपीओ पार्क पहुंचकर सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर करते हुए नारे लगाए और नई पेंशन नीति की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों की 15 सूत्रीय मांगे थी, जिनमें सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाली को लागू करने की थी। पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष क्रांति सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और हम नोटा दबा देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन नहीं तो 19 में वोट नहीं के नारे लगाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।